मॉर्निंग छात्रों, दीपक सिंह, आप व्यावसायिक शिक्षक। और एक छात्र की इंक्वायरी थी कि किताब कहाँ मिलेगी। तो गाजीपुर में लंका से जब आप मिस्र बाज़ार जाते हैं तो बीच में दुर्गा जी के मंदिर से करीब 200 मीटर पहले बाएं हाथ पर इंदू ट्रेडर्स के यहाँ ये व्यवसाय की किताबें आपको कक्षा 11-12 और सामान्य आधारित विषय की कक्षा 11-12 ये आपको मिल जाएंगी। और वहाँ आप अगर हमें मेरे नाम भी बता देंगे, महावीर इंटर कॉलेज मलिकपुरा दीपक सिंह करके, तो 10-20% आप डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो ये आपकी व्यवस्था मैंने बनाई है, और अगर आप चाहें, वरना पेज तो मैं दे ही रहा हूँ आपको। और आइए, विद्युत, चूँकि विद्युत चुंबक सेकंड पेपर हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा करीब चार चैप्टर थे 11 में, चार चैप्टर 12 में, तो 8 चैप्टर थे, जिसमें हम की करीब लगभग विद्युत को पढ़ लिए हैं। और ये उसका लास्ट चैप्टर है, 8वां, जैसा कि आप देख रहे हैं, वैद्युत चालन। कल पिछले वीडियो में मैंने इसको थोड़ा बताया भी था, और बड़ा हो गया था वीडियो 10 मिनट का, और इसको छोटा करते हैं और ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए, इसमें कुछ पूछा नहीं है, इसमें यही आपसे पूछ रहा है कि वैद्युत धारा क्या है। तो वैद्युत धारा क्या, या इसके सीधे कंटेंट में अगर आ जाएँ तो कंटेंट में देखिए, बड़ा आसान सा कंटेंट है। पहले तो यही देख लेना चाहिए कि जैसे इसमें क्या बताना चाह रहा है आपको वैद्युत धारा। तो वैद्युत धारा क्या है, मतलब वही ये समझ लेना है। ओमीय परपथ, जो ओम के नियम का पालन करें, ओमीय परपथ। आप वोल्टेज जो कूलम में सीधा ऐसे वी और आई करके बनाते हैं, तो हाई स्कूल में आपने बनाया होगा। अनोमी में ऐसे करके जाएगा, क्योंकि जो ओम के नियम का पालन ना करे। वैद्युत ऊर्जा तथा शक्ति, तो यही है आपका, मतलब शुरू से ले कर अंत तक, और इसी पे आपका 8वां चैप्टर विद्युत ख़त्म भी हो जाता है। तो करंट को हम समझते हैं कि धारा के प्रवाह की दर को हम, सॉरी, आवेश के प्रवाह की दर को हम धारा कहते हैं, क्यू अपॉन टी, कूलाम पर सेकेंड, एम्पियर इसका मात्रक। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक एम्पियर में 6.25×10^18 इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड होते हैं एक सेकंड में। अगर इतना पानी इधर घुसा तो इतना पानी एक सेकंड में ही इतना निकलेगा, तो वही इलेक्ट्रॉन समझ लीजिए आप इसको। इलेक्ट्रॉन दूसरे सिरे से निकल जाते हैं। अब आते हैं वैद्युत धारा कैसी राशि है। तो ये सदिश तो हो नहीं सकती, किसी भी दिशा में चल सकती है, तो इसमें सिर्फ परिमाण होगा, एक एम्पियर, दो एम्पियर, तीन एम्पियर, और लेकिन दिशा तो होगी नहीं। किसी ओर से धन दिशा से धन आवेश किसी दिशा में भी प्रवाहित हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की चाल ही हमारी धारा है। तो धन आवेश किस दिशा में चलेगा वही उसकी होगी। और किरचाप के नियम में इसको आपने समझाई है। और एक बड़ा अच्छा चीज़ पूछता है, धारा घनत्व तो क्या है, कभी कभी पूछ देता है। तो जे इक्वल टू आई अपान ए, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि किसी चालक में किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल से, प्रति एकांक क्षेत्रफल, चूँकि ए को एक बना रहा है, और अभिलंबवत गुजरने वाली धारा जो है इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर भी आप लें, पर धारा घनत्व कहते हैं। इसे जे अपान ए अपान आई से कहते हैं। ये भी एक सदिश राशि है, यदिश नहीं है, ये सदिश है, इसमें दिशा भी होती है, और इसका मात्रक भी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर दिख रहा है आपको साफ साफ। और अगर हम आगे बढ़ें तो इसमें फैराडे का बहुत नियम है जो अक्सर पूछता है, और ये मतलब फिजिक्स में भी और व्यावसायिक शिक्षा में भी। तो बहुत आसान सी चीज़ है कि जब वैद्युत अपघटन की क्रिया किसी इलेक्ट्रोड में, तो ये माइकल फैराडे साहब थे, इन्होंने अपना विद्युत अपघटन के नाम से भी जाना जाता है इनका नियम, तो इसका प्रभाव इन्होंने दिखाया कि वैद्युत अपघटन की क्रिया में किसी इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुए
कुल पदार्थ का द्रव्यमान, मतलब अगर आप विद्युत अपघटन की क्रिया करेंगे इलेक्ट्रोड पर, जो कुल पदार्थ का द्रव्यमान होगा विद्युत अपघट के विलयन में से प्रवाहित होने वाले संपूर्ण विद्युत आवेश की कुल मात्रा के अनुक्रमानुपाती होगा। मतलब जितना आवेश इलेक्ट्रॉन से द्रव्यमान मुक्त होगा, वो जो आपका विलयन में प्रवाहित होने वाली संपूर्ण विद्युत आवेश है उसके समानुपाती होगा। तो ये हम समानुपाती क्यू, तो इसको हम क्यू को आई टी भी लिखते हैं, धारा गुणे समय, तो आई टी लिख देंगे। एम जेड एक नियतांक इन्होंने दिया फैराडे साहब ने, जिसे विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, और जेड इक्वल टू, ये अलग अलग तत्वों की प्रकृति पर निर्भर करेगा। तो यम के यहाँ सूत्र बन गया फैराडे का प्रथम नियम से जेड आई टी। तो इसे हम दूसरा नियम भी देख लें, बड़ा आसान है। यदि विभिन्न विद्युत अपघट के विलयन में समान आवेश अर्थात समान प्रबलता की धारा समान समय के लिए प्रवाहित किए जाएं, तो विभिन्न इलेक्ट्रोडों पर जो पदार्थ होंगे द्रव्यमान उनका रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होगा। तो रासायनिक तुल्यांकों के अनुक्रमानुपाती होगा, तो मान लीजिए रासायनिक तुल्यांक उनका अलग अलग है, तो एम वन अपॉन डब्लू वन, एम वन टू, एम टू अपॉन डब्लू टू, एम थ्री अपॉन डब्लू थ्री, और इस तरह से कहेंगे। तो दूसरा नियम इनका अलग अलग है, और इसी में एफ जो इन्होंने कहा फैराडे नियतांक, इन्होंने अपना नियतांक दिया डब्लू अपॉन जेड, जिसको कि कहा कि फैराडे नियतांक। ये भी आपसे अक्सर एक दो नंबर में पूछता है। उदाहरण के लिए तांबे का अगर आप देख लें, तो एक किलोग्राम तुल्यांक के लिए डब्लू जो है 31 किलोग्राम तथा जेड 3.2×10⁻⁷ किलोग्राम पर कूलाम, क्योंकि ऊपर इसका मात्रक अलग होगा। तो उदाहरण के लिए आप इसे एक रख सकते हैं। और फैराडे नियतांक आपसे अक्सर पूछ लेता है, धारा घनत्व तो पूछ लेता है एक नंबर दो नंबर में, तो इसे आप ज़रूर देखें, और मैं धीरे धीरे ही पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। और एक छात्र का था कि सर फोटो नहीं साफ आ पाती है, तो बेटा कभी बदरी रहती है, बादल रहता है, और लाइट की जान ही रहे हो कि कभी मैं समझाऊंगा तुम्हें इनवर्स स्क्वायर ला लाइट की तीव्रता, तो उसमें तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारा फ़ोटो ग्रुप में सही आए। और आज का पेपर आप लोग पढ़ लें, बोर्ड के डेट थोड़ी बड़ी हैं, और एनसीसी की सॉरी कक्षा 11 की डेट बढ़ी हैं, लेकिन जिन्हें अपना मान लीजिए एनसीसी आएगी, तो उस समय आपको आईडी कार्ड चाहिए होगा, और हाई स्कूल की मार्कशीट ओरिजिनल, तो दो चीज़ों के लिए आप डेट बढ़ने का तो फ़ायदा लीजिए, लेकिन समय से अपनी टीसी और फीस वगैरह जो बाकी है जमा करके आईडी कार्ड को अपने प्राप्त कर लीजिए, ताकि अपना काम आपका ख़त्म हो जाए, और उसके बाद लास्ट डेट आएगी तो देखा जाएगा। मेन आपका पहला फेस आपको एनसीसी करना है, वीडियो पढ़ना है, यही सुनना है, तो इस पर फोकस रहिए जो एनसीसी से रिलेटेड है, और जो पढ़ने से हैं वो पढ़ते रहें। मेनी मेनी थैंक्स छात्रों।